आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 688 कोर्स कोड के लिए सिलेबस, जो कि डिटेल में इसमें क्या क्या आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले हमने बताया था आपको इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, और आज हम आपको डिटेल में बताएंगे इसमें क्या क्या आ सकता है। देखिए, मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या सिलेबस में है। देखिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसको ज़्यादा वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, इसमें से सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसे बेंडिंग मोमेंट का होता है, शेयर फोर्स का होगा, जैसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा, ऐसा ही सेम सब्जेक्ट आगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आएगा। अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वैसे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे हुक्स लॉ है, यील्ड स्ट्रेस है, क्या होता है, जैसे इलास्टिसिटी वगैरह, बस सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, जो कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, वही पढ़ने की ज़रूरत है, इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन है, वही है टॉर्जन जो भी है, यहाँ पे देखिए हॉलो शाफ्ट वगैरह जो भी आते हैं, मैकेनिकल्स के क्वेश्चन आते रहते हैं कि पिस्टन वगैरह टरबाइन से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे, जो भी है, ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इससे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे 2D स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जबकि बाकी जो भी है मेन सब्जेक्ट आगे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैपिलरी राइज कैसे होता है वाटर वगैरह, वो क्वेश्चन आएंगे इसमें से। फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डेफिनेशन वगैरह, इसमें कुछ भी नहीं आएंगे ज़्यादातर, इससे वैसे न्यूमेरिकल आएंगे ग्रेविटी वगैरह बेस पे, जो भी सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे वेंचुरी मीटर का आ गया, अगर कुछ आ गया डेरिवेशन पूछ लिए, बाकी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। बाउंड्री इक्वेशन वगैरह ज़्यादा नहीं, किसको ज़रूरत नहीं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है, जैसे कि सिविल का सब्जेक्ट है सर्वेइंग इंजीनियरिंग, वैसे आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, क्योंकि पूरा सिविल का नहीं दिया गया इसमें। देखिए, आपको देखने की ज़रूरत है यहाँ पे क्या क्या दिया, फंडामेंटल एंड चेन सर्वे, सिर्फ चेन सर्वे इसमें, और कंपास सर्वे है, बाकी रेडिएशन इंटरसेक्शन ट्रेवर्सिंग मेरा एप्लीकेशन जो भी है वही है, सिर्फ कंपास सर्वे में, इसमें से वैसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। थियोडोलाइट सर्वे वगैरह बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादातर ये नहीं है, जैसे रूट सर्विंग ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ पे देखिए, और फिर ये मेन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोग्राफिक एंड माइन सर्वेइंग, यहाँ से माइन से आ सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा ये हो गया, ऊपर वाले से ऐसे आ नहीं सकते, वैसे इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वैसे पता ही आपको, अगर सिविल का खुद का जेई का टेस्ट हो तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आते, कई बार नहीं भी आते, क्योंकि हिमाचल का जो भी सिलेबस है HPSS का, उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि किस सब्जेक्ट में से इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कौन से सब्जेक्ट है अभी अभी देखिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आपको सिविल इंजीनियरिंग के M.Tech में मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप M.Tech का सिलेबस देख सकते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, क्योंकि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का हिमाचल प्रदेश में कोई भी है ही नहीं, तभी तो मैकेनिकल साइड, सिविल साइड और केमिकल इंजीनियरिंग को कंबाइन करके ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में, हिमाचल की बात नहीं, इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी कम है, यूनिवर्सिटी, क्योंकि किसी भी मंडी IIT में भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं होती, ना ही पंजाब में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, कहीं से भी नहीं होती, इसीलिए ये पोस्ट हिमाचल प्रदेश में आई, तभी यहाँ पे कंबाइंड सिलेबस आएगा, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का है और केमिकल इंजीनियरिंग का है। अगर आपको ये सब्जेक्ट देखना है तो आपको ये सिविल इंजीनियरिंग के M.Tech में मिल जाएगा, कौन कौन से है, क्या क्या ये हैं, और आप उन बुक्स को भी प्रेफर कर सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आगे देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह, वैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे ऐसा एक सेम सब्जेक्ट आएगा जिसमें इससे रिलेटेड पूरा का पूरा उसी सब्जेक्ट में दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट में। इन्वायरमेंटल एंड साइंस इंजीनियरिंग, इसमें देखिए रिस्क हाजर्ड मैनेजमेंट वगैरह, आपको मैं सिर्फ एक बुक बताऊंगा, प्रेफर करूंगा, जो है GIS एंड रिमोट सेंसिंग या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो सिविल में भी होती है, शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा 3 या 4 बुक्स का पूरा सब्जेक्ट सिलेबस दिया हुआ है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट, जैसे कि एयर पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ उसमें टोटल सब कुछ डिटेल दी हुई है, जो कि 4 बुक्स का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिर्फ एक बुक्स में ही आपको मिल जाएगा, GIS एंड रिमोट सेंसिंग या तो GIS एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये बुक्स आप देख सकते हो, और इसका सिलेबस देख सकते हो, जो कि सिविल और मैकेनिकल की इंजीनियरिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट था, जिसको चूज करने वाले किसी ने पढ़ा भी होगा शायद, किसी ने नहीं भी पढ़ा हो सकता, आप तो उस बुक को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह पैन है जो भी है, ये सिविल इंजीनियरिंग में भी होता है, क्योंकि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, और उस बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट, देखिए क्या क्या होता है इसमें से, पॉपुलेशन ग्रोथ वेरिएशन वगैरह, जो भी वाटर सप्लाई का सब्जेक्ट है हिमाचल सिविल का, उसमें से ये
दिया गया है, तो आप उसको पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। वैसे इस प्रोजेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सिलेबस में तो है, परंतु शायद इसमें से क्वेश्चन वैसे रेयर चांस है आने के, क्योंकि इतनी सारी बुक्स है, क्योंकि सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, तो केमिकल इंजीनियरिंग का है, तो इस बुक से आना इम्पॉसिबल है। कुछ अगर आया तो मुश्किल ही है वैसे आना, क्योंकि सिविल का सब्जेक्ट है, वैसे में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सिलेबस में है, परंतु ये क्वेश्चन से आने से इम्पॉसिबल है। और वैसे ये अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल एक आगे सब्जेक्ट आएगा, उसमें से आपको सॉइल का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा सॉइल है, परंतु आप इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आगे एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें सॉइल का पूरा डिटेल दिया गया है, उसमें उस सब्जेक्ट में सॉइल आपकी कवर हो जाएगी। अप्लाइड हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूड मैकेनिक्स, ये वही है फ्लूड मैकेनिक्स और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे कि यूनिफॉर्म फ्लो, जिसमें फ्लो के बारे में ही होगा, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी होगी, चेंज इक्वेशन होगी, जो भी, तो सभी ने पढ़े ही होंगे क्वेश्चन। इसमें से न्यूमेरिकल आने की उम्मीद है, बाकी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आएगी, अगर आएंगे तो यहाँ पे पंप्स वगैरह से रिलेटेड, टर्बाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंट माइक्रोलॉजी, ये भी एमटेक का सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। ये सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे वाटर सप्लाई से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएंगे, कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आने की उम्मीद है। आप सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स देख सकते हो, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग की है, तो यहाँ पे देखिए आप बाटरी हिमाचल प्रदेश में सिविल से कहाँ से जाते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता में देखिए वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, या आर एगोर देखिए, या मूर्ति देखिए, या आर सूद की बुक्स देखिए, वहाँ से पढ़िए, या तो कोई बुक्स, इस बुक्स का जो भी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग वहाँ पे दिया, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, वहाँ से पूरा का पूरा सीवरेज ट्रीटमेंट, सीवरेज का साइज़ कितना होता है, डिस्चार्ज कितना होता है, पूरे की पूरी डिटेल पढ़िए आप। इलिप्टिकल सीवर, सर्कुलर सीवर, पूरे के पूरे इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। सीवर कौन सा आएगा, सीवर किस सीवरेज के लिए होता है, हाई कितना भी होता है, पूरा का पूरा पढ़िए, क्योंकि इसमें से आने के पूरे के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आएंगे। और क्वालिटी एंड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, सीवरेज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है जो सीवरेज में, पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ऊपर दिया हुआ है डिटेल में, यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल दी हुई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नेसेसरी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम, कौन सी स्कीम चली हुई है, हाइड्रोलिक्स कॉन्सेप्ट एंड सोर्स ऑफ वाटर, हाइड्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस पीडीएफ को सेंड कर दूँगा पूरी की पूरी। इसमें से क्या क्या यहाँ पे देखिए, पाइप्स एंड जॉइंट्स, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं सीवरेज सिस्टम में, जो भी है पूरा का पूरा आएगा इसमें। क्लोरिनेशन, प्योरिकेशन ऑफ वाटर, देखिए ये सब इसमें आएंगे, आप उस बुक्स को पढ़िए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहीं से ही आपका सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। बेसिक एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो वही सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर का आ जाएगा, जैसे कि क्या होगा, हाँ यहाँ पे लोड वगैरह का, वैसे इसमें आने की ज़्यादा चांस नहीं है लोड वगैरह के क्वेश्चन के, इसको आप तो ऐसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन नेगलेक्ट ही कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका म्युनिसिपल सॉलिड मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट भी वही है जीआईएस का, मैंने जो बोला बुक्स में, उस बुक्स में इसका काफ़ी सारा हिस्सा मिल जाएगा, पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन कैसे होता है, आप वेस्ट कैसे डिकम्पोज करते हो, वेस्ट साइट्स वगैरह, उस बुक्स में आपका जीआईएस में इसका काफ़ी सारा सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि आपको इस बुक्स का कहीं मिलेगा ही नहीं, आप कहाँ से पढ़ोगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करोगे, तो यहाँ उस बुक्स को पढ़िए, उस बुक्स में इस बुक्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। अगर या तो आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़िए, बेस्ट वाटर सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, जैसे कि सीवरेज ट्रीटमेंट का होगा उसी से होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बताया भी गया है इन्होंने, क्या बताया, सोर्स ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट जनरेशन, वेस्ट कहाँ से पैदा होता है और हम उसको कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं, पूरा का पूरा दिया, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, डस्टबिन का टाइप कैसा होता है, रेड डस्टबिन जैसे आप हॉस्पिटल में देख सकते हो, येलो डस्टबिन, रेड डस्टबिन, ब्लैक डस्टबिन होता है, कौन से डस्टबिन में कौन सा वेस्ट रखा जाता है, वैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। और यहाँ पे देखिए डिस्पोजल कैसे होता है, हम डंपिंग कैसे करते हैं साइट पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि कौन कौन सी लेयर में हम वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जो भी हमारा होता है,
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और फिर ये भी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम आपको आगे भी बताते रहेंगे और कुछ डिटेल जो भी हमारे पता लगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया जनरल, बताया गया कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर व्हीकल से कितना पॉल्यूशन होता है वो भी पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे देखिए, मैन मेड एंड नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के सोर्स कौन से, टाइप कौन से, कहाँ से कितना होता है और चेंज से हो रहा है, स्केल कौन से स्केल से पॉल्यूशन को हम मेजर करते हैं, इफेक्ट एंड एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, सैम्पलिंग सैम्पलिंग एंड एयर क्वालिटी मॉडलिंग, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करते हैं उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाँ, हम कौन सी गाड़ी से कितना पॉल्यूशन पैदा होता है, अगर हम कौन से फॉर्मूला चलाएं उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, ये उसी से रिगार्डिंग है जो कि मैंने आपको पहले बताया, इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सब्जेक्ट आपका आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और ऐसे इधर डिटेल में दिया गया, आप वही इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग का है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। या तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी एक इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट होता है, उसमें इसमें एंड में एक टॉपिक दिया हुआ है, उससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें आएंगे नहीं, 5 आएंगे या तो 6 आएंगे। और ये क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये सेम क्वेश्चन हुए, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, वहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया, तो वहीं आप उस बुक्स को प्रेफर कीजिए, उस टॉपिक को पढ़िए, वहीं से आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे वाटर के बारे में, एयर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में या टॉपिक्स के बारे में, तो रिलेटेड सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, इस सब्जेक्ट से भी कुछ नहीं आने वाला है। इससे कुछ क्वेश्चन आने की उम्मीद है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, हमारे पास हाइड्रोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है इरिगेशन का, उससे कंबाइंड सब्जेक्ट है। रन ऑफ का डिस्चार्ज कैसे होता है, जैसे एसिड रेन वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इवेपोरेशन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है, वर्षा रेन कैसे होता है, रेनफॉल कैसे होता है, कितने टाइप का रेनफॉल होता है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे इसमें से। यहाँ पे देखिए, बताया गया रन ऑफ कैसा होता है, प्रेसिपिटेशन वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्लड कंट्रोल, डिजास्टर एस्टिमेशन फ्रिक्वेंसी, IMD मेथड, NDVI, क्योंकि इससे काफ़ी रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के काफ़ी डिसएडवांटेज है इस टेस्ट को देने में, उनके सब्जेक्ट से काफ़ी कम आएगा इसमें, जो कि आएगा, जो भी आएगा वो सिविल से रिलेटेड इसमें आएगा। शायद काफ़ी ने पढ़ा होगा, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उनको पता होगा IMD, NDVI, एनालिसिस वगैरह ये क्या क्या होते हैं, तो उन दो सब्जेक्ट को आप पढ़िए, एक तो है हाइड्रोलॉजी और दूसरा है, मैं उसका नाम भूल गया सब्जेक्ट, मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोलॉजी एंड ओपन चैनल फ्लो, सॉरी ओपन चैनल फ्लो आप एक सब्जेक्ट होता है उसको पढ़िए, ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलॉजी का होता है जो इरीगेशन का है, उसी सब्जेक्ट को पढ़िए आप, अगर इकट्ठे हैं आपके पास तो वही देखिए, तो कहीं से भी आपको इसका सिलेबस मिलता तो आप वो पढ़िए। ये वही आ गया, GIS में ही इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड एंड इंडस्ट्रियल सिलेबस, मैंने जो आपको बुक बताई थी GIS, उसमें इसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि हैज़र्डस बेस्ड कैसा होता है, जो भी होता है, एक्स्ट्रा केमिकल होता है, जो भी इनऑर्गेनिक बेस्ड होता है, उसे रिगार्डिंग ही ये सब्जेक्ट है। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ये वही हो गया, मैंने आपको पहले सब्जेक्ट बताया था, देखिए वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो सिविल का सीवरेज ट्रीटमेंट पर, वाटर सप्लाई एंड रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उसी में से ये सब्जेक्ट है, तो उसी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिए गए, हर एक चीज़ डिटेल में दिया गया है, एलोबरेट करके दिया गया, तो शायद कुछ क्वेश्चन आपको उसमें ना मिले इसमें दिए गए, तो क्योंकि अब आपके पास बुक्स तो होगी नहीं, आप कहाँ से पढ़ोगे, तो आप वहीं पढ़ोगे, जैसे कि गुप्ता एंड गुप्ता होगी और कोई और बुक्स होगी उससे उससे प्रेफर करोगे, जैसे मैंने मूर्ति बताया, आरसूद बताया, आपको काफ़ी सारी बुक्स है उसमें से ही पढ़ोगे, तो आप वो वाला टॉपिक थोड़ा पढ़िएगा, और अगर आपके पास किसी थ्योरी की बुक्स मिलती है जैसे एम टेक वगैरह की, तो वहाँ से पढ़िएगा,
और वाटर सोर्स है, और जो मैंने आपको बुक्स बताई तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे जीआईएस की मैंने बुक्स बताई, उस बुक्स में से काफ़ी चीज़ें आएंगी, एंड रिमोट सेंसिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जीआईएस फॉर, उस बुक्स से काफ़ी आएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है आपको स्लज कैसा होता है, सीवरेज डिस्पोजल एंड हाउसिंग ड्रेनेज, हाउसिंग में कैसे पाइपिंग होती है, पाइपिंग सिस्टम हाउस में पूछा जाएगा वेस्ट का, ऐसे आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाएगा आपसे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, CO2 से, ऑक्सीजन से, कैसे मेजर करते हैं हम, कैसे इनको ये करते हैं और कितना परसेंट होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा पूछा जाएगा। और मरकरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है जनरल, देखिए स्टडी ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टाइप एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी कवर्स एंड पंप कैपेसिटी, कौन कौन से हम पंप यूज कर रहे हैं, कम करने के, ज़्यादा करने के लिए, और कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट ही अगर, जैसे जिस सब्जेक्ट में बात कर रहा था आपको, इस सब्जेक्ट में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, GIS फॉर फंडामेंटल इंजीनियरिंग, एंड एक सब्जेक्ट होता है GIS फॉर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, GIS फॉर रिमोट एंड सेंसिंग, ऐसा एक सेम सब्जेक्ट है, उसमें पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, काफ़ी सारे जो भी 4-5 सब्जेक्ट है वो पूरे के पूरे उसी में कवर हो जाएंगे यहाँ के। यहाँ पे देखिए आपका फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग पूरा का पूरा दिया गया, ये सब्जेक्ट भी उसी सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ रिमोट सेंसिंग सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाएगा। ये बाकी आगे इस सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन्वायरमेंट से। डिज़ाइन ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, देखिए मैं जो बोल रहा था आपको स्ट्रक्चर का, आपको मैं सब्जेक्ट आगे बताऊंगा जो कि मैकेनिकल और सिविल का होगा, तो यहीं पे देखिए ये सब्जेक्ट आ गया है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके का आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ पाइप, इससे रिलेटेड आएगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जैसे मैंने बोला आपको सीवरेज पाइप की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उन्हें कैसे डाला जाता है, और उसमें टेस्टिंग कौन कौन सी होती है, जैसे स्मोक टेस्टिंग होती है, एयर टेस्टिंग होती है, कौन कौन सी टेस्टिंग करेंगे, पाइप कहीं से टूटी तो नहीं है, कहीं से वो से गैस बाहर तो लीक नहीं हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग पूरे के पूरे आपसे टेस्ट पूछे जाएंगे, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी बुक्स में मिल जाएगी आपको, वहाँ पे डिटेल में नहीं होगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट है सिविल का उसमें मिल जाएंगे, और पूरा का पूरा आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्पेशल स्ट्रक्चर, इसे ही रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। हजार्डस बेस्ड मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया था, देखिए केमिकल वाला हजार्डस होता है, जैसे कि ट्यूमर वगैरह होता है, अगर इंसान से कोई भी वेस्ट निकलता है, जैसे कि कैंसर है किसी को ट्यूमर है, वो कहाँ फेंकते हैं, उसे डिस्पोज कैसे होना चाहिए, उससे रिगार्डिंग पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे फिजिकल हेल्थ हजार्ड बेस्ड पूरा का पूरा उसके रिगार्डिंग ही सब्जेक्ट है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, डस्टबिन कैसे होने चाहिए, कहाँ पे कैसे लगाए जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी कहाँ पे डस्ट डिकम्पोज करती है, जो भी होता है वेस्ट होता है, उससे ही रिगार्डिंग ही पूरा का पूरा ये स्पेशल हजार्डस बेस्ड मैनेजमेंट, जो भी केमिकल ट्रीटेड वेस्ट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, देखिए इससे एक दो क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ग्रीन हाउस बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में पूछा जाएगा, देखिए सब्जेक्ट है जो कि आखिरी है, थोड़ा सा इससे पूछा जाएगा, क्या दो क्वेश्चन इससे आएंगे। इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे एनर्जी बिल्डिंग है, देखिए एक्टिव सोलर, सोलर ऊर्जा से कैसे होता है, जैसे कि हम सोलर ऊर्जा से सोलर पैनल यूज़ करने से हमारे में कौन कौन सी एनर्जी बचती है, और जैसे पॉल्यूशन कम होता है, देखिए सोलर ऊर्जा वाली अगर हम बैटरी यूज़ करते हैं, व्हीकल यूज़ करते हैं, जिससे पॉल्यूशन कम होगा, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस यही है लास्ट सब्जेक्ट हमारा, जिससे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे, ग्रीन हाउस ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन एंड केस स्टडी, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बिल्डिंग बनाई जाती है, जहाँ पे दूसरी जो हाइड्रो से बिजली जनरेट होती है और जो कि पावर प्लांट से जनरेट बिजली होती है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे सोलर से जो भी सन से इलेक्ट्रिसिटी ये करते हैं पैनल लगाए होते हैं, उसी से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, तो उसी को यूज किया जाता है, जाके इन्वायरमेंट सेफ रहे, तो उसके रिगार्डिंग ये जो भी है इससे ही क्वेश्चन आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को
शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।